गाइस वेलकम टू स्टडी नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है जर्मनी ने हिजबुल्ला को बैन कर दिया इसका मिलिट्री विंग और पॉलिटिकल विंग इसके रिस्पांस में ईरान की गवर्नमेंट ने जर्मनी को धमकी दी और ये कहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसिस के लिए तैयार हीएगा तो मैं कहूँगा मेजर डेवलपमेंट है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हिजबुल्ला है क्या बहुत सी कंट्रीज जैसे कि इंडिया रशिया चाइना यूएस यूरोपियन कंट्रीज इवन सऊदी अरेबिया उनके डिफरेंट परस्पेक्टिव क्या हैं रिगार्डिंग हिस्बुल्ला और उनकी फॉरिन पॉलिसी इससे कैसे इंपैक्ट होती है तो डिस्कस करते हैं सब काफी कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी गो टू गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड आर ऐप स्टडी आई एजुकेशन यहां पर आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन बोथ प्रिलम्स एंड मीन दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद आर फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स नाव सबसे पहले यहां पर जो तीन मेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसके बारे में मैं आपको बता दू एक है लेबनान ये मिडल ईस्ट की कंट्री है एक्चुअली तीनों कंट्रीज ही मिडल ईस्ट में आती हैं लेबनान की टोटल आबादी है रफली आप कह सकते हैं सेवनटी लाख के आसपास इनका कैपिटल है बैरूट फिर है इज़राइल आबादी ऑलमोस्ट नाइन्टी लाख कैपिटल डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है मैं इंडियन हूँ मैं कहूँगा तेलवेव कोई अमेरिकन हो सकता है कि अब जेरूसलम बोले फिर है ईरान ईरान की आबादी आठ करोड़ बीस लाख के आसपास कैपिटल तेरान और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मिडल ईस्ट का मैप है यहाँ पर है ईरान और यहाँ पे इराक आता है फिर सीरिया है उसके बाद यहाँ पे आता है लेबनान और राइट और ये यह यहाँ पे है इसराइल तो इसराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा लेबनान और लेबनान के अंदर एक बहुत ही विशेष मिलिटेंट आउटफिट है जिसका नाम है हिजबुल्ला ना हिजबुल्ला है क्या बेसिकली ये करते क्या है? ठीक है मिलिटेंट आउटफिट है तो बस क्या मतलब इसराइल पर अटैक करते हैं नहीं हिजबुल्ला का एक पॉलिटिकल विंग भी है जो लेबनान की पॉलिटिक्स है जो इनका पार्लियामेंट है वहाँ पर बहुत सी सीट्स आज के टाइम में हिजबुल्ला की है हिजबुल्ला की अपनी आर्मी है एक्चुअली हिजबुल्ला की जो आर्मी है कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेबनान की आर्मी से भी ज़रा स्ट्रॉन्ग है हिजबुल्ला ऑलमोस्ट एक कंट्री इन अ कंट्री है लेबनान के अंदर ये कंट्री है और लेबनान की गवर्नमेंट बहुत ही केयरफुली डील करती है हिजबुल्ला के साथ क्योंकि उनको पता है कि अगर कल को मान लीजिए ये नाराज हो जाते हैं तो ये लेबनान पे ही अटैक कर देंगे तो हिजबुल्ला काफी स्ट्रांग एंटिटी है और बहुत हद तक एंटी इजराइल है ना हिजबुल्ला का जन्म हुआ कैसे था देखो हिजबुल्ला को बनाया गया था आयोतल कमेनी के टाइम में अराउंड नाइनटीन एटीज में ईरान ने बहुत सारी फंडिंग करी लेबनान में और ये एक शियाइट मुस्लिम्स का ग्रुप खड़ा कर दिया अब यहाँ पे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं कि ठीक है हिजबुल्ला uh, है लेबनान में और काफी बार ये इसराइल पे अटैक करते हैं इनके बहुत सारे मिसाइल्स हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी रेंज भी काफी ज्यादा है और ये जो लेबनान की बॉर्डर है यहाँ से काफी बार ये इसराइल पे अटैक करते हैं और ऐसे आर्टिकल्स आपने खूब देखे होंगे ये बात अब बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम टू थाउजेंड एंड नाइनटीन हिजबुल्ला फायर इन टू इसराइल फ्रॉम लेबनान ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में आपको ये न्यूज दिखेगी मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो ग्रुप है ये बना था नाइनटीन एटी फाइव में ड्यूरिंग आयतुल्ला कमीनी आज भी ज़िंदा है तो इसको फंडिंग कैसे मिल रही है ईरान पर तो सेंशनस हैं वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं तो एक मिलिटेंट आउटफिट को आप कई किलोमीटर्स दूर अगर ज़िंदा रखते हो तो फंडिंग काफ़ी करनी होती होगी देखिए नहीं जो हिजबुल्ला का फंक्शनिंग सिस्टम है मैं कहूँगा काफ़ी एफिशिएंट है इनका मिलिट्री बजट एस्टिमेट किया जा चुका है बाय वेरियस एक्सपर्ट्स टू बी अराउंड वन बिलियन डॉलर्स पर ईयर एक बिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीस में रफ लिया हम कह रहे हैं यहाँ पे सात हज़ार छः सौ करोड़ रुपए किसी कंट्री के लिए इतना महंगा नहीं है अगर उस कंट्री को बहुत ही बड़ा जियो पोलिटिकल एडवांटेज इससे मिलता है तो जो ये वन बिलियन डॉलर्स है इसका बहुत ही बड़ा चंक आता है फ्रॉम ईरान बाकी ऑफ कोर्स हिजबुल्ला को सपोर्ट मिलती है फ्रॉम यूरोप वेरियस और संगठन चाइना रशिया भी काफ़ी बार इसको सपोर्ट कर चुके हैं फाइनेंशियली इनडायरेक्ट तरीके से तो बहुत से सोर्सेज से इनके पास हर साल वन बिलियन इकट्ठा हो जाता है और ये इसराइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हिजबुल्ला चाहता क्या है इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वेल well, इसको लेकर हिजबुल्ला ने एक ओपन लेटर इशू किया था और इस ओपन लेटर का नाम था द हिजबुल्ला प्रोग्राम ये सी आई ए ने भी इसको कवर कर रखा है उसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं एन ओपन लेटर द हिजबुल्ला प्रोग्राम इसमें आपको पता लग जाएगा कि हिजबुल्ला बेसिकली करना क्या चाहता है तो इनके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें यह है कि इसराइल को ख़त्म करना है ये मानते हैं कि इसराइल यूएस का एक वैन गार्ड है उस सब के अलावा यह चाहते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं ये कन्वर्ट हो जाएं और ये इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें तो ये इनके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अलावा ऑफ़ कोर्स बहुत ही छोटे छोटे इनके और ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट अब जर्मनी ने रिसेंटली क्या किया है कि हिजबुल्ला को ऑल टुगेदर बैन कर दिया है पहले जर्मनी ने हिजबुल्ला का जो मिलिटेंट आउटफिट था जो इनका मिलिट्री विंग था इसको बैन कर रखा था मगर अब इन्होंने हिजबुल्लाह का जो पॉलिटिकल विंग है इसको भी बैन कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा अचानक से डिसीजन लिया गया था जैसे ही ये निर्णय जर्मनी ने लिया तो बहुत सारे जो हिजबुल्ला के ऑफिसज थे जो मॉस थी जो काफ़ी बार हिजबुल्ला को सपोर्ट करती थी वहाँ पर रेड्स हुई यहाँ पर आप देख पाएंगे सी का आर्टिकल है ऑफ थर्टीथ अप्रैल टू जर्मनी बैंस लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला

एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करके ठीक नहीं किया और साथ में अफकोर्स इन्होंने ये भी बोल दिया है कि जर्मनी यहाँ पर यूएस और जो जायनिस्ट हैं उनके सामने झुक गया है अब यहां पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है मगर जर्मनी ने यह सब क्यों किया जर्मनी ने अपने हिसाब से यहाँ पर आंसर ये दिया है कि हिजबुल्ला ओपनली बार बार कह रहा है कि वो वायलेंटली अटैक करेंगे इसराइल को और इसराइल को वो एक्सेप्ट नहीं करते जर्मनी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा इसीलिए इन्होंने हिजबुल्लाह को यहाँ पर बैन किया है और ऑब्वियस ही बात है जैसे ही जर्मनी ने यह डिसीजन लिया यूएस और इसराइल ने इसको वेलकम किया है न इस सब के अलावा एक और रीज़न क्या हो सकता है जो जर्मनी ने यहां पर मेंशन किया नहीं है मैं कहूंगा ईरान का मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ हफ्ते पहले आई थिंक तीन लाख के आसपास लोगों ने इसको देखा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान ने पहली बार एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है नूर और इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने यह कहा था कि ईरान ने यह सैटेलाइट लॉन्च करके 2015 का एक यूएन रेजोल्यूशन वायलेट किया है जिसमें इनको कहा गया था कि आप इस टाइप के रॉकेट्स को टेस्ट नहीं करेंगे और ईरान पे देखिए एक आरोप यह भी लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है रॉकेट लॉन्च की ये हिजबुल्ला को भी स्मगल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए सिंस यूएस ने यहाँ पर काफी प्रेशर एग्जर्ट किया होगा जर्मनी पे और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि फ्रांस और वेरियस और कंट्रीज इसी टाइप का बैन हिजबुल्ला पर लगाएंगी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसको फॉलो करे वो देखना होगा मगर यूरोप में तो प्राइमरली जर्मनी के बाद बहुत सी और कंट्रीज इसी तरीके से हिजबुल्ला पर जो अपना बैन है परमानेंट बैन ये इम्पोज कर सकती है और इसका प्राइमरी रीजन यही है ईरान का मिलिट्री सेटेलाइट लॉन्च ना बाकी कंट्रीज को अगर हम देखें तो इनका यहाँ पे व्यू क्या है सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर वेलकम किया है जर्मनी के डिसीजन को इन्होंने कहा है कि जर्मनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है हम जर्मनी को सपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों करेगा क्योंकि हिजबुल्ला ने काफ़ी बार सऊदी अरेबिया को वार्निंग दी है कि अगर आप यमन में अपनी जो वॉर है ये कंटिन्यू रखते हैं तो हम आप पर भी अटैक करेंगे तो ऑबियस ये बात है सऊदी अरेबिया यहाँ पर हिजबुल्ला के अगेंस्ट और ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बाय द वे जो कंप्लीट अरब लीग है जिसमें बहुत से देश आते हैं उन्होंने भी बहुत टाइम पहले दो में हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन लेबल कर दिया था यहाँ पर आप देखेंगे ये है अरब लीग ये सब कंट्रीज इसमें यूएई ओमान और सऊदी अरेबिया वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज इजिप्ट अल्जीरिया ये सब आते हैं यहाँ पर दीज आर ऑल अरब लीग कंट्रीज इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अरब लीग में ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया का वेरास जो ओ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वहाँ पर इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय नहीं करता और अरब लीग में पाकिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय नहीं करता है। ना पाकिस्तान एक मेंबर है ना ऑब्जर्वर है तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बाय द वे अरब लीग के हेड क्वार्टर्स हैं इन इजिप्ट नॉर्थ सऊदी अरेबिया फिर हम आते हैं थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ और हम देखते हैं रशिया और चाइना को तो दोनों कंट्रीज मैं कहूँगा कहीं से भी हजबुल्ला के अगेंस्ट नहीं है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना काफी हद तक न्यूट्रल है ये हिजबुल्ला पर कोई नेगेटिव कॉमेंट्स कभी करते नहीं हैं आप अगर देखें रशिया को तो रशिया काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है हज़बुल्ला को और इन्होंने ये भी कहा है कि हज़बुल्ला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और रिसेंटली सीरिया में हज़बुल्ला को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी किया था रशियन फोर्सेज ने ना ये जो डेवलपमेंट है मैं कहूँगा रीजन की स्टेबिलिटी के लिए भी ठीक नहीं है इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि जर्मनी फ्रांस यू और वेरियस और कंट्रीज ईरान पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी और हज़बुल्ला पर भी प्रेशर बनेगा इसके रिस्पांस में ईरान क्या करता है ये देखना होगा बट ओवरऑल ये रीजन की स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा मूव नहीं है ये पूरा सिनेरियो ही ख़राब है इंडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या इंडिया ने हजबुल्ला को बैन कर रखा है तो नहीं इंडिया ने हजबुल्ला को बैन नहीं कर रखा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सऊदी अरेबिया ने बैन कर रखा है वेराज इंडिया ने हज़बुल्ला को एक मिलिटेंट या फिर एक टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर नहीं किया सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल